दोस्तों, ऑफिस से अभी भी आया हूँ घर और चाय पी ली है। और आपको एक बात बताना चाहता था कि गलती से भी कभी भी मोटर रात में मोटर ऑन ना छोड़े, पानी वाली। क्योंकि पानी वाली मोटर ऑन छोड़ने के बाद क्या होता है वो मैं आपको हंस दिखाने जा रहा हूँ, देखिए। हेलो गाइस, सुबह के 7 बज रहे हैं और कल रात गलती से मोटर ऑन रह गई, जिसकी वजह से मोटर जो है वो फूक गई, मोटर ख़राब हो गई, जिसकी वजह से पानी जो भरना था वो नहीं भर पाया। और सुबह सुबह फिर दूसरी मोटर चला के, दूसरे फ्लोर की, ब्रदर की फ्लोर की मोटर चला के और पानी भर रहा हूँ। तो पाइप इधर से टंकी से लगा के उधर चल रहा है और मोटर ऑन कर रखी है, तो सुबह सुबह सनबाथ ले रहा हूँ छत पे, आप देख सकते हैं। ये भी ज़रूरी है लेकिन कभी कभार का रहता है कि भाई कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा पसीना आता है मुझे, पूरा स्वेटी स्वेटी हो रहा हूँ। व्यू अच्छा है, आप देख सकते हो मेरे पीछे, मौसम अच्छा है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं निकली हुई है। तकरीबन आधा टंकी पानी भर चुका है, अभी आधा और भरना है। तो स्टिल मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही फुल होगा फिर नीचे जाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से मेरी वेस्ट भी बिल्कुल गीली हो चुकी है, आप देख सकते हो। वॉट लग गई है, बुरा हाल हो गया है। चाय बन रही है? चाय चाय बना रही हूँ। और क्या, हलवा हलवा बन रहा है? नहीं, सूजी को भून कर रख रही हूँ। क्यों? वो नहीं, हल्का भूनूंगी ना तो इसमें कीड़ा लग जाएगा। अच्छा, ओके, इसलिए ड्राई रोस्ट करके रखूंगी। अच्छा, चलो मैं चाय पी के फटाफट से बाथिंग करता हूँ, मैं ऑफिस के लिए रेडी हूँ यार। तकरीबन 10 बज गए आज, पानी वानी भरने के चक्कर में टाइम सारा लग गया। तो मोटर भी ख़राब हो गई है, तो मोटर भी अभी योगेश से भेज रहा हूँ ठीक होने के लिए। और साथ में ना फैक्ट्री का एडजस्ट फैन भी भेज दे रहा हूँ, एडजस्ट फैन भी ख़राब हो गया था फैक्ट्री का, तो वो भी भेज रहा हूँ। बच्चों को देखते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं सुबह सुबह, दोनों के दोनों गेम खेलने में लगे हुए हैं। दक्ष, क्या हो रहा है ये? अक्ष, क्लासेस नहीं है क्या आज? अच्छा, आज सैटरडे है, दोनों का ऑफ है। ओह माय गॉड, एंजॉय कर रहे हो फिर? ओके, चलो जल्दी से इसे बंद करो, ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, चाय वाय लो, ब्रेकफास्ट लो, शायद मंदिर जाएंगे, जल्दी रेडी हो जाओ फटाफट से। मैंने आज नया हेयर स्टाइल करवाया है, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं नहीं सकता, मेरे को अपने। हेलो फ्रेंड्स, शाम के 7 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं साईं बाबा मंदिर, एक बहुत अच्छा सा स्टैचू लेना है साईं बाबा का या गणेश जी का हमें, तो मंदिर जा रहे हैं और गाड़ी ली है तो मत्था टेकने जा रहे हैं मंदिर, भगवान का आशीर्वाद है, इसकी वजह से गाड़ी आ गई हमारी। नचंगे सारी रात सोहणी भाई, नचंगे सारी रात सोहणी भाई, कर थोड़ा सा प्यार सोहणी। यहाँ से कहाँ जाएंगे? सीधे चलेंगे, सीधे चलेंगे सीधा। राजीव गांधी की रेड लाइट है, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट वाली, बहुत टाइम लगता है यहाँ पर, बहुत रश होता है। नचंगे सारी रात
बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है आज मार्केट मेन रोड पे। तकरीबन 7:30 बज गए हैं, हम लोग अभी तक मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि मुश्किल से 4-1 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। आज भाई हमने जब गाड़ी निकाली थी किसको देखा था यार, याद है कुछ? क्योंकि इतनी देर तो कभी नहीं लगी हमें आज तक मंदिर आने में, हद मार के 10 मिनट यार। तो फाइनली हम लोग मंदिर के पास आ गए हैं और चलते हैं। दोस्तों हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं और आज जो हुआ वो मैं आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक्चुअली में हम लोग मंदिर गए तो मंदिर बंद था, एक्चुअली में कोविड की वजह से मंदिर में एंट्री बंद थी, आप बाहर से ही दर्शन करके और मत्था टेक के वापस आ सकते हैं। तो हमें नहीं पता था, हम लोग गए हमें लगा कि भाई कोविड का कम हो गया है था केसेस, तो हमें लगा कि गेट खुलेगा मंदिर का, लेकिन वहाँ पर गेट बंद था तो हम थोड़ा सा निराश हो गए। हम लोगों ने जो स्टैचू लेना था वो लिया, उसके बाद फिर हम वापस आ रहे थे तो एक साईं बाबा का स्टैचू मेरे को जो लेना था वो मैंने जो फर्स्ट शॉप था उससे लेना था, मैं उसके पास गया, मैंने वहाँ से वो स्टैचू लिया और उनसे बात की, ऐसी बातों बातों में उन्होंने मुझे लाइव साईं बाबा जो शिरडी वाले साईं बाबा हैं उनके दर्शन करा दिए। वो एक्चुअली में वहाँ पर जो संघ है उनका जो एक ट्रस्ट होता है उसके मेंबर थे, तो उन्होंने मुझे लाइव अपना फ़ोन में कैमरा ऑन करा और मुझे लाइव दर्शन कराए। मतलब मैं हैरान रह गया, मैं और मेरी फैमिली, कि बाबा ने देखो हम सच्चे मन से आए थे बाबा के पास, तो उस बाबा ने उस चीज़ का ध्यान दिया और हमें कैसे करके उन्होंने अपने दर्शन दे दिए। मतलब बिल्कुल, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे क्या हुआ, मतलब इतनी कृपा है ईश्वर की कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये लाइव है भैया? लाइव गुड, ये साईं सचित्र पाठ हो रहा है। आपका कार्ड भी दे दीजिए भैया फिर। मैंने वहाँ से एक बाबा की तस्वीर ली है, वो दिखाता हूँ आपको।
और जो मैंने स्टैचू लिया है वो गाड़ी में कल लगाऊंगा, फिर उसकी नई वीडियो आपको मैं जब डालूंगा तब दिखाऊंगा। वो अभी सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ, वो देखिए वो जो तस्वीर मैं लाया हूँ वो मैंने यहाँ पर लगाई है, आप देख सकते हैं। मतलब बाबा की तस्वीर, कितने प्यारी तस्वीर, बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पर पहले मेरी घड़ी थी तो वो मैंने शिफ्ट की है अपनी दूसरी वॉल पे, वो मैं दिखाता हूँ, वो यहाँ पे शिफ्ट कर दी है और उसकी जगह साईं बाबा को मैंने यहाँ पर लगा दिया घड़ी की जगह। तो बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीर्वाद हम पर रखने के लिए। तो अब हम लोग करेंगे डिनर और मैं इस ब्लॉग का यहीं पर अंत करता हूँ। मिलेंगे जल्दी आपसे नए ब्लॉग में और थैंक यू वेरी मच जो जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते जा रहे हैं उनके लिए मेरे दिल से बहुत खुशी है उनके लिए, और उनको मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप लोग सब्सक्राइब करते जा रहे हो, थैंक यू वेरी मच। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू वेरी मच। बाय, कल फिर मिलते हैं, बाय दोस्तों।